कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा शरीर पर होती है। दुष्ट आत्मा से ग्रस्त का मतलब क्या है कि उस दुष्ट आत्मा ने आपको शरीर, आत्मा, प्राण तीनों जगह से आपको जकड़ लिया है। वो बहुत कष्टदायक होता है, बहुत ही भयानक होता है। कई जो दुष्ट आत्माएं हैं वो शरीर तक ही, मसीह, कई मसीहों के पड़े ऊपर दुष्ट आत्मा है लेकिन उनका शरीर पर है। जब शरीर पर दुष्ट आत्मा आता है तो आपको बीमारियां लेकर आता है, वो इतना ही कर सकता है। लेकिन अगर आप आत्मा में और प्राण में मजबूत हैं तो वहां तक दुष्ट आत्मा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो दुष्ट आत्मा की कोशिश होती है कि वो आत्मा, प्राण और शरीर तीनों पर कब्जा कर ले। यस, आप दुष्ट आत्मा को कम मत आंकिए। धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी दुष्ट आत्मा होता है। आप कई लोगों को देखेंगे कि दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं और समझ नहीं रहे कुछ। प्रार्थना ही कर रहे हैं आप और बाइबल ही नहीं समझ रहे, वचन पे नहीं चल रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। बहुत तरीके से दुष्ट आत्माएं काम करता है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना में हमें परमेश्वर से कैसे बात करनी है, हर चीज का एक मीनिंग है। जब हमारा मन चाहे हम प्रार्थना करने लगे, अच्छी बात है, लेकिन हम किससे प्रार्थना करने वाले हैं? परमेश्वर से। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं तो हमें वो स्थान अपनी आत्मा को तैयार करना है कि मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसी आदमी को फोन करेंगे, अपने पति को, अपने दामाद को या अपने किसी भाई को, तो आप प्रिपेयर करेंगे कि हाँ मुझे क्या बात करनी है, फिर आप फोन करेंगे। तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, किससे बात करने जा रहे हैं? परमेश्वर से। तो हमें उस योग्य अपने आप को बनाना है, अपने आप को हमें पूरे शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में पूरी तरीके से उस योग्य बनाना है कि मैं प्रभु से बात करने वाली हूं। आज मैं दो प्रार्थना करने वालों के बारे में आपको बताऊंगा। आज का विषय बहुत अच्छा है। जब यीशु मसीह गतसमनी में गए, वो अपने चेलों को अपने साथ लेकर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और चेलों को उन्होंने कहा कि यहां बैठो, मैं थोड़ी दूर जाके प्रार्थना करने जाता हूं। और उनमें से तीन चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ में लेके गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और चेलों से कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे, सो रहे थे। चेले जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। इससे पहले पतरस ने कहा भी था कि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, और वो प्रार्थना ही नहीं कर पाया। क्या कह रहा था? लुका 22:31-33 में कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा, मैं आपके लिए जेल भी चला जाऊंगा। और यीशु मसीह कहता है कि मैं व्याकुल हो रहा हूं और यहां तक कि मैं मरे पड़ रहा हूं, प्लीज मेरे संग प्रार्थना करो। प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। आमीन। आप नहीं जानते हैं, शैतान आपको आत्मा में प्रार्थना करने नहीं देगा। अगर आपका कंट्रोल अपने शरीर पर नहीं है, आत्मा में प्रार्थना आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका कंट्रोल शरीर पर नहीं है। इसीलिए
पौलुस कहता है 9:27 में, पहला कुरिन्थियों 9:27 कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं ताकि मेरा शरीर मेरी बात माने। आज क्या हो रहा है, हम शरीर की बात मानते हैं। अरे नहीं यार, नींद आ रही है यार, अभी नहीं, आधे घंटे बाद प्रार्थना करेंगे। अरे अभी भूख लग रही है यार, नहीं पास्टर मैं उपवास नहीं रख पाऊंगे, अंदर से बेचैनी होती है, आपका कंट्रोल ही नहीं है। प्रार्थना करने के लिए हम लोग समय बड़ा इजी लेते हैं कि सारे काम खत्म कर लेंगे तब प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना हम एक रूटीन समझ देते हैं कि घर से निकलने से समय हमने प्रार्थना की, हो गया हमारा काम। हमें प्रार्थना करते समय ये जरूरी है कि हम इस चीज का निश्चय करें कि हम उस पिता परमेश्वर के समक्ष खड़े होने वाले हैं अभी। क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं, अगर रात को सोते समय आपने ये मन में धारण किया कि मैं सुबह 5 बजे प्रार्थना करूंगा, आप विश्वास करिए सुबह 5 बजे परमेश्वर आपके पास होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, 5:30, 5:30, 6, थोड़ा सा और, और उसके बाद जल्दी से जल्दी, फिर टाइम हो गया, ऑफिस जाना, ये काम करना है, तो जो प्रार्थना करनी थी वो प्रार्थना नहीं, जल्दी से जल्दी बस रटी रटाई 2-3 चीजें बोली और स्तुति की, एक गीत गाया और हो गया। परमेश्वर जो आपके लिए रुका हुआ है वो सोच रहा है कि ये क्यों नहीं बोल बात कर रहा है मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां गतसमनी में जब यीशु मसीह आया, इस गतसमनी के वचनों को हमें समझना है। 26 का निकालिए, मती 26, 36-46 के बीच में। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। आमीन। क्यों लेके गया चेलों के साथ? कि अभी तक यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करने के लिए गया, चेलों को लेकर गया था। अगर हम मरकुस का देखेंगे, एक पहला 35-37 देखेंगे, तो जब वो पतरस के घर में था और जब सो रहा था तो वो प्रार्थना के लिए, सुबह अंधेरा ही था, बाइबल कहती है कि वो चला गया प्रार्थना के लिए, और पतरस और उसके चेले ढूंढते कह के, प्रभु तू क्या है, प्रार्थना करने के लिए। तो कभी भी वो चेलों को लेकर नहीं गया, लेकिन यहां पर वो चेलों को लेकर गया क्योंकि अंतिम समय था। यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह ने सेविकाई कैसे की? यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं पिता को करते देखता हूं मैं वही करता हूं। हेलो, जो मैं पिता को करते देखता हूं मैं वही करता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। और बाइबल बताती है कि हमें कैसे रहना है, फिलिपियों 2:5, कि यीशु का स्वरूप हम में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यीशु के मानिंद अपने जीवन को बिताना है। हमारे सामने एक यीशु मसीह आदर्श के रूप में है कि यीशु मसीह ने अपना जीवन कैसे जिया, उसी तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, पौलुस लिखता है, यानी कि हमारा स्वभाव ऐसा हो सकता है। हेलो, इसलिए वो कहता है, इसलिए वो चेलों को गतसमनी के समय गया। वो जानता था कि गतसमनी के समय मुझे जाना है, वहां प्रार्थना करनी है, प्रभु से मांगना है। वो चाहता था कि मेरे चेले जाने,
प्रार्थना का मतलब जाने, आत्मा में जीना जाने, वो समझे कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना में अगर आपका उद्देश्य नहीं है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में आपका उद्देश्य क्या है? आपकी नौकरी, आपका घर द्वार, आपकी शादी, आपका बच्चा, पचास साठ लाख रुपए करोड़ पचास करोड़ आपको मिल गए, उसकी हिफाजत के लिए प्रार्थना किस बस वो बना रहा है, ये प्रार्थना है आपकी? क्या कहता है वो? जागते रहो। दोबारा पढ़ो बेटा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। आमीन। जी बहुत उदास है। क्यों उदास है वो? परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर का पुत्र जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का पुत्र अपने चेलों को बोल चुका है कि मैं जाऊंगा और मैं और जो गैर यहूदी हैं मुझे मारेंगे और मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा, वो बोल चुका है। उदास क्यों है? हेलो, उदास क्यों है? हमारी उदासी क्यों है और यीशु की उदासी क्यों है? ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए बेटा। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। उसकी हेलो, उसकी प्रार्थना क्यों उदास है? वो ये नहीं चाहता कि मैं क्रूस की मौत ना मरूं, मुझे कोड़े नहीं पड़े, कांटों का मुकुट मेरे ऊपर ना रखा जाए, लोग मेरे मुंह पे ना थूकें। नहीं, वो क्या कहता है? उदास क्यों है? क्योंकि वो जो प्याला है वो मैं ना लूं। कौन सा प्याला? पाप का प्याला। मैं मरने को तैयार हूं, मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, लेकिन मैं अपने ऊपर संसार का पाप नहीं लेना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो यीशु था वो जानता था और वो चाहता था कि मेरी पवित्रता जो है, मेरी पवित्रता जो परमेश्वर से जुड़ी है, मैं पवित्र हूं, पवित्रता की वजह से परमेश्वर मुझसे जुड़ा है, तो मेरे और परमेश्वर के बीच में पाप नहीं आए। कितने लोग हम इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? वो चेलों को इसलिए लेकर गया था कि तुम किसके लिए प्रार्थना करते हो? इसी का 22 का 24 अगर देखेंगे, लूका 22 का 24 अगर आप देखेंगे, जब उसने सबके पैर धोए, जहां बताया कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद भी चेले क्या कहते हैं? लूका 22 का 24 पढ़िए। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। आमीन। क्या हुआ? वाद विवाद हुआ, डिस्कशन हुआ चेलों में कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है, कौन बड़ा है? मुझे यीशु मसीह ने पहले बुलाया, मुझसे यीशु मसीह ज्यादा बात करते हैं, मुझसे यीशु मसीह पूछते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों अंधकार आया पतरस और चेलों के अंदर? क्योंकि वो सोच रहे थे कि बड़ा कौन है। वो अपनी पवित्रता के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हमें जोड़ने वाला कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर से जोड़ेगी? मेरी पवित्रता। मेरी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि मेरी पवित्रता मेरे साथ रहे, मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं, मैं कोई भी विचार मेरे अंदर ऐसा ना आए जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे।
हेलो, वो चेलों को बता रहा था, इसलिए वो उदास था, इसलिए वो उदास था। और 41 में क्या कहता है वो, 26 के 41 में क्या कहता है, दोबारा जब आया वो तो क्या कहता है, दोबारा देखो क्या कहता है वो, मती 26 का 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। क्यों करनी है प्रार्थना? कि हम परीक्षा में ना पड़े, हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला पल क्या होने वाला है, हमें नहीं पता कि शैतान किस तरीके से हमें देख रहा है, शैतान किस षड्यंत्र से हमारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि शैतान हमारे घर के किस सदस्य के द्वारा ही हमें परीक्षा में डालेगा। अगर आप मजबूत नहीं है और आपका परिवार मजबूत नहीं है, तो हो सकता है आप अपने पति के द्वारा परीक्षा में आ जाएं, हो सकता है आप अपने बेटे के द्वारा परीक्षा में आ जाएं, हो सकता है आप अपनी बहू के द्वारा परीक्षा में आ जाएं। आप नहीं जानते शैतान किसको यूज करेगा, कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, आप नहीं जानते। इसलिए वो कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना किसके लिए? कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कौन डालेगा आपको परीक्षा में? आपका शरीर, आपका शरीर आपको परीक्षा में डालेगा। कौन है आपका शरीर? आपके रिश्ते आपके शरीर हैं। आपका पति आपका शरीर है, आप उसे छोड़ नहीं सकते, बना हुआ है। आपके बच्चे आपके शरीर का एक अंग है। हेलो, समझ में आ रहा है? आपका शरीर दुर्बल है। शैतान आपके पति के द्वारा, आपकी मां के द्वारा, आपके बहन के द्वारा आपको परीक्षा में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हैं लोग, ये दुर्बल हैं, ये दुर्बल हैं, आप दुर्बल हैं, क्योंकि आप शरीर पर डिपेंड हैं। परमेश्वर ने आपकी आत्मा का उद्धार किया है, शरीर का नहीं किया है। शरीर का उद्धार कब होगा? जब आप बादलों पे जाएंगे। तो हमें अलर्ट होना है कि मैं शरीर जो मेरा दुर्बल है उसकी वजह से मैं कहीं परीक्षा में ना आऊं। इसलिए मुझे जो प्रार्थना करनी है, अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए प्रार्थना करनी है। इसीलिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि ये प्याला मेरे हाथ से हटा दे, ये प्याला मुझसे हट जाए। क्यों? अगर ये प्याला मुझ पर आ गया तो शरीर मेरा दुर्बल हो जाएगा, मैं शरीर का दास हो जाऊंगा। पाप जब आपके शरीर में आता है तो आप शरीर के दास हो जाते हैं। रोमियो 7:15-19, जब पाप आपके शरीर में आता है तो आप समझ नहीं पाते मैं क्या करूं। आप समझते कि ये चीज गलत हो रही है, आप समझे कि नहीं? आपके अंदर अगर अंधकार गया, आपके अंदर पाप गया, तो आप शरीर के गुलाम हो जाते हैं। पढ़िए बेटा 7:15। जो मैं करता हूं उसको तो नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। मैं जो कर रहा हूं मैं नहीं जानता मैं क्यों कर रहा हूं, मैं किसी की बात मान रहा हूं, किसी शरीर की बात मान रहा हूं, हाँ, वो पाप है। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर दुर्बल है,
मैंने उस पाप को अपने अंदर ले लिया। 19वां क्या कहता है? 19वां, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वही करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे काम करने के लिए जाना है, मुझे पता है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे पता है कि मुझे सुसमाचार सुनाना है, बाइबल कहती है, वचन कहता है, लेकिन शरीर कहता आज नहीं यार, छोड़ो ना यार, अच्छे दोस्त आए हुए हैं यार, अरे आज तो चाची भी आ गई, मामी भी आ गई यार, अरे इतना पुराना दोस्त आज आ गया है, आज तो थोड़ा सा बैठेंगे यार, है मौसम भी अच्छा है, पकौड़े वगैरह बनाएंगे, मम्मी से कहेंगे अच्छा था। शरीर आप पर हावी है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर वो पाप है। अच्छा काम करना जानते हैं आप, नहीं कर पा रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है? याकूब का 4:17 कि जो अच्छा काम करना जानता है और वो नहीं करता, वो क्या करता है? पाप करता है। अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं और आप नहीं करते हैं तो आप पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना क्या है? कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, मुझे अपने शरीर को मजबूत करना है। अरे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान से मेरे मन को नया कर दिया, मेरी आत्मा को नया कर दिया, मुझे अपनी आत्मा दे दी, इतना सब कुछ आशीष और मुझे स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना दिया, अब क्या मेरा ये शरीर जो है वो मुझे पीछे हटाएगा? मुझे परमेश्वर से दूर कर रहा है ये शरीर मेरा? क्या आप अपनी आत्मा को जिंदा कर सकते हैं? कोई है इस धरती पर जो अपनी आत्मा को जिंदा कर सकता है? कोई है जो अपने मन को नया कर सकता है? कोई है? कोई है जो आपकी बुद्धि को खोल सकता है? इजिकल 36:25-27 के बीच में ये परमेश्वर है जिसने अपनी आपकी आत्मा को जिंदा किया। पढ़ो जल्दी से इजिकल 36:25-27 के बीच में, जल्दी किया करो तुम लोग, वचन ढूंढने में तुम्हें इतनी देर होती है। Ezekiel 36:25-27। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, और मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आमीन। हेलो, परमेश्वर ने हमारे अंदर नई आत्मा को जन्म दिया है, नया मन दिया है। हमारा पहला मन कैसा था पता है? यिर्मयाह 17:9 और 10 भी पढ़ लेना। हमारा मन क्या था? परमेश्वर ने हमको नया मन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। किसका मन? मेरा मन की आपकी बात कर रहे हैं? हमारा मन। पूजा का मन? नहीं, नेहा का मन? किसके मन की बात कर रहे हैं? मेरे मन की बात। आप समझते नहीं, आपका यही सोचना है, अच्छा अच्छा मन की बात है, सामने वाले का होगा, मैं तो प्योर, मैं तो अच्छा, यही सोचता है इंसान कि मेरे मन की बात नहीं है। यिर्मयाह 17:9 में ये तो सामने वाली जो बहन जी बैठी है ना उनके बारे में बात है, मैं तो पवित्र हूं। दोबारा पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है मन, जो आपके अंदर था, जो आपके अंदर था। आगे।
उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें ऐसा रोग लगा है जिसका इलाज नहीं है। मेरे पास जो मन था, जो आपने पढ़ा है रोमियो 7:15-21, मेरे पास जो मन था कि मैं समझ ही नहीं पाता था कि अच्छा क्या है। जानता था कि अच्छा काम ये मैं मुझे करना चाहिए, लेकिन बुरा करता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पाप था। इसलिए मन तो, दोबारा पढ़ो बेटा, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? लेकिन परमेश्वर ने हमारे मन को नया कर दिया, हमारे मन को नया कर दिया। कितने मन है आपके पास, पता है? कोई बताएगा आपके पास कितने मन है? हैं? दो मन। एक किसका है? एक यीशु का और एक आपका। हालेलुया। दो मन है आपके पास। पहला कुरिन्थियों 2:15-16, यीशु मसीह का मन क्यों है आपके पास? ताकि आप उस मन के मुताबिक अपने मन को ढाल सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, आप यीशु को नहीं जानते, आप परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन आपने परमेश्वर को समझ लिया, उस दिन आप जान जाएंगे कि वो कितना प्यार करता है आपको, आपको क्या से क्या बनाना चाहता है वो। इसलिए यीशु अपने चेलों से कहता है, जागते रहो, क्या तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते? मैं मरे जा रहा हूं। आप सोचिए मेरे भाई मेरी बहन, आपका चहिता दोस्त, आपका पास्टर, आपका गुरु, आपका लीडर आपसे कह रहा है, मेरे साथ जागो, मैं मरे जा रहा हूं, मैं व्याकुल हूं। आप फिर भी सो रहे? हेलो, आप फिर भी सो रहे? क्यों? क्योंकि शरीर दुर्बल है। आपका शरीर ही आपको डुबोएगा, आपके शारीरिक रिश्ते ही आपको डुबोएंगे। इसलिए प्रभु कहता है, प्रार्थना कर। हम आजकल जो प्रार्थना कर रहे हैं ना मेरे भाई, अपने मन की मजबूती के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मैं अपने मन को जो तूने नया मन दिया है उसको तेरे योग्य बना सकूं, तेरे अनुसार चलूं मैं। मन तो कुछ भी कहेगा, लेकिन हमें उस मन को काबू में करना है। और पहला कुरिन्थियों 2:12 निकालिए कि परमेश्वर ने अपनी आपकी जो आत्मा दी है वो क्यों दी है। पहला कुरिन्थियों 2:12-14, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हमारे पास कौन सा आत्मा है? सब बोलिए, मेरे पास। जोर से बोलिए, मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है। आगे बढ़िए, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने आपको नया मन दिया है? क्यों परमेश्वर ने आपकी आत्मा को जिंदा किया है? ताकि वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे जाने कि मेरे मन में क्या है। दोबारा पढ़ो उसको, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दे दी है। लिखा है देने वाला है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं नौकरी के लिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बॉस के मन में क्या है मुझे बताइए, मेरा बॉस मुझे और कितने इंक्रीमेंट दे सकता है मुझे बताइए। अरे प्रार्थना करिए कि जो परमेश्वर आपको दे चुका है वो क्या है जो आपके पास है। जो आपके पास है आपको दे दिया है। इसलिए एफिसियो 3
15 से लेकर 19 के बीच में पौलुस प्रार्थना क्या कर रहा है कि अपने अंदरूनी मनुष्य को मजबूत बनाओ, प्रार्थना करो। पढ़ो बेटा 3:15, 15, 16, 17, 18। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। पौलुस क्या कहता है कि हमें उसकी आत्मा के द्वारा अपने शरीर को बलवंत, अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत करना है। हमें प्रार्थना करनी है कि रोज कि हम अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करें, ताकि परमेश्वर ने जो हमको दिया है हम उसको जान सकें कि हमारे पास क्या है। हम अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत करें और ताकि 17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ बली बांती समझने की शक्ति पाओ। किस समझ की बात कर रहा है ये प्रार्थना? क्या कहना चाह रही है ये प्रार्थना? क्या कह रही है कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपनी आत्मा के दान के द्वारा आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को बलवंत कर दे, ताकि यीशु मसीह का प्यार आप में बना रहे और आप पवित्र लोगों में प्रेम की नींव डालकर जान सके कि परमेश्वर की ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई क्या है। आप समझ रहे हैं? कितने साल शादी हो गए आपके चंदन भैया? 22 साल। पूरी तरीके से जानते हो अपने पत्नी को, उसके अंदर बाहर, अंदर क्या है जानते हो? सोचिए 22 साल आपकी शादी को हो गए। हम जिसके संग 22 साल से रह रहे हैं उसको ही पूरी तरीके से नहीं पहचान पाए, और यहां पर वो क्या कह रहा है कि अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत कर, ताकि तू उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, चौड़ाई को जान सके, यीशु के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से प्रेम है, ज्ञान से परे है। तो परमेश्वर की संपूर्णता को, उसकी परिपूर्णता में एक हो जा। हमारी यह प्रार्थना होनी चाहिए। हम अपने खाने पीने में लगे हुए हैं, हम मसीह हैं। आप नहीं जानते आप कौन हैं। आप सोचिए, जिस दिन आपने जान लिया, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की, जिस दिन आपने लंबाई जांच ली, ऊंचाई जांच ली, गहराई जांच ली, मोटाई जांच ली, सोचिए आप, आपको कुछ और जांचने की जरूरत है? आपको कुछ और जानने की जरूरत है? आप सब जानते हैं, आप भविष्य जान जाएंगे। जिस दिन आपने उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई जांच ली, आप भविष्य जान जाएंगे। आपको पता होगा कल क्या होने वाला है, आपको पता होगा ये क्यों हो रहा है। फिर आप परीक्षा में आएंगे? नहीं, पता मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो प्रभु चाहता है कि तुम जानो कि मेरे मन में क्या है। 2 Corinthians 2:14 पढ़ो। पहला कुरिन्थियन 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। सबसे बड़ी शारीरिक मनुष्य, इसलिए यीशु कहता है कि तू दुर्बल है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। बहुत मेहनत करनी है। शरीर की दुर्बलता ही आपको फंसाएगी, वो भी आपके शरीर की दुर्बलता। और आप कब फंस जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं फंस गया, मैं परीक्षा में पड़ गया,
परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। अरे क्या मैं परमेश्वर की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जांच के क्या कर लूंगा यार, मेरा बैंक बैलेंस कितना मुझे ये बता दो, मुझे नौकरी कितनी मिलने वाली मुझे बता दो यार। लोगों के लिए मूर्खता, अरे परमेश्वर की ऊंचाई लंबाई मैं जानता हूं, वो सर्वस है, क्या करना है मुझे। भाई जिस दिन तू ये जान लेगा ना, उस दिन तेरे अंदर से सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। Praise the Lord। इसलिए वो कहता है लोगों की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और आत्मिक रीति से आप कब जिएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे आत्मा में। प्रार्थना करो, इसी का पढ़ो 15वां। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। समझिए आप क्वालिटी, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है लेकिन वो किसी के द्वारा जांचा नहीं जाता। मैं एक आत्मिक इंसान हूं, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है, मैं जानता हूं, लेकिन आप नहीं जान सकते कि मेरे मन में क्या है, क्योंकि आप शरीर में जी रहे हैं। मैं आत्मा में महसूस करता हूं परमेश्वर के द्वारा कि कलीसिया में कौन सी प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं जो कलीसिया से निकलनी चाहिए, कौन कमजोर है, किसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, परमेश्वर मुझे बताता है और मैं कोशिश करता हूं उसको ठीक करने की। करने वाला प्रभु है। क्योंकि आत्मिक जीवन हमें जीना है। आत्मिक जन सबको परखता है, आत्मिक जन को कोई परख नहीं सकता। इसलिए बेटर है कि हम आत्मिक जन बने। हम शरीर में ही हैं, छोटी छोटी चीजें हमारे लिए एक मायूसी का उदासी का बायस हो जाती है। किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हमें आया अच्छा। अरे आत्मिक जीवन हमें किससे मिलता है, प्रार्थना से। देखिए प्रार्थना को आप क्या समझते हैं, हम प्रार्थना को समझते हैं परमेश्वर से मांगने की एक प्रथा। हाँ सही है, लेकिन उस प्रार्थना में हमें मांगना क्या है, यह बहुत जरूरी है। आप जब तक महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि चेले नहीं समझ रहे थे कि वो शरीर में दुर्बल है, शमौन पतरस नहीं समझ रहा था कि वो दुर्बल है, अरे नहीं यीशु मसीह सब चले जाएं, मैं आपके लिए खड़ा हूंगा, मैं जेल जाऊंगा आपके लिए। यीशु मसीह ने कहा आज रात को 3 बार तो मेरा इनकार करेगा, जब तक 2 बार मुर्गा बांग नहीं देगा। उसको पता ही नहीं कि मैं कमजोर हूं, आपको पता ही नहीं कि मैं कमजोर हूं, और इसी का फायदा शैतान उठाता है। इसलिए प्रार्थना में हमें अपने आप को आत्मिक रूप में मजबूत करना है, हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो। जिस दिन हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो जाएगा, उस दिन हमारे लिए परीक्षाओं की कोई वैल्यू नहीं होगी। किसी का आना या नहीं आना, या फायदा होना या नहीं होना, आज 400 समोसे बिके हैं कल 200 बिके, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं। आज पेट्रोल इतना बढ़ गया है, आज प्याज इतना हो गया है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। ये किसको आहत होती है, जो शरीर में जी रहा है। अरे बाप रे बाप, 100 रुपए का पेट्रोल, 110 रुपए का पेट्रोल, 120 रुपए का पेट्रोल, उसने वादा किया है कि मैं तेरे साथ हूं। जब आप आत्मिक जीवन जिएंगे ना, तो आप उसके वादों पर भरोसा करेंगे, आप इकोनॉमिक पर भरोसा नहीं करेंगे। अरे मेरा प्रभु मेरे साथ है,
प्रेज द लॉर्ड। आज तक आप लोगों ने एक चीज सुनी नहीं होगी जो बता रहा हूं मैं बहुत आशीषित हूं। पिछले साल कोरोना की वजह से मैं बीमार था, याद है आपको, और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे आशीष दिया, पता है आपको, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक महीना पहले उसी हॉस्पिटल से फोन आया कि आपने जो बिल दिया था उसका कुछ हिस्सा बीएमसी आपको वापस करना चाहती है। आप समझे, मैंने नहीं मांगा, मैं तो बिल देकर आ गया, परमिशन ने दिया उसका कुछ हिस्सा। हमारा नंबर आया कि बीएमसी हमको वापस करना चाहती है। वो जानता है। आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करिए, भरसक कोशिश करिए। आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कौन हैं। आप इन छोटी छोटी चीजों में अपनी जिंदगी को बाहर कर रहे हो। परमेश्वर संडे के लिए 200 रुपए 400 रुपए को छोड़कर संडे छोड़ रहे हो, चर्च छोड़ रहे हो, वचन छोड़ रहे हो। अरे नहीं भैया, 200-400 की वैल्यू नहीं है कुछ भी। अगर ये वचन आपके अंदर जीवित है ना, ये सबसे बड़ा खजाना है। आज इंसान अपने 2 घंटे देखता है कि नहीं, 2 घंटे में मैं 50,000 कमा लूंगा, 200 कमा लूंगा, 400 कमा लूंगा, संडे फिर देख लेंगे। नहीं मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन उसका बाड़ा हट गया, जिस दिन उसका बाड़ा हट गया परमेश्वर का, मिनट्स में पल में सालों का कमाया हुआ, प्लीज परमेश्वर के चरणों में रहिए, उसका बाड़ा मेरे चारों तरफ रहे, बस ये सबसे बड़ा खजाना है। मेरा खजाना क्या है? परमेश्वर का बाड़ा। बस वो कब आता है? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, उसका बाड़ा लगा रहता है। अय्यूब के बच्चे जाते थे, आप पढ़िए अय्यूब का पहला अध्याय, सब कुछ था उसके पास, था खरा था, इतने ऊंट थे, उतने घड़े थे, इतने बहुत पैसा था, लेकिन जैसे ही बच्चे आते थे वो एक एक बच्चे के ऊपर बलिदान चढ़ाता था कि कहीं बच्चों ने कोई पाप तो नहीं किया, मेरे बच्चों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सुना होगा, कोई गलत तो नहीं कहा होगा। उनके एक एक मेंबर की वजह से एक एक बलिदान करता था वो। पढ़िए आप अय्यूब का पहला अध्याय, परमेश्वर खुद कह रहा है ये खरा है इंसान, लेकिन कितना अलर्ट था वो कि मेरे बच्चे मेरी बच्चियों के घर में गए थे, कहीं उन्होंने कुछ गलत सुना तो नहीं, कहीं उन्होंने कुछ गलत बोला तो नहीं, कहीं उन्होंने कुछ गलत कहा तो नहीं। एक एक बच्चे के ऊपर एक एक जानवर का बलिदान कर उन्हें लहू से शुद्ध करता था वो, इतना खरा था वो। इसलिए जब उस पर विपत्ति आई, जब परीक्षा आई, उसकी बीवी ने कहा अरे तेरा सब कुछ छिन गया, एक घंटे के अंदर सब कुछ, एक घंटे के अंदर छिन गया तेरा सब कुछ छिन गया, अब तो निंदा कर। उसने कहा क्या, मैं क्या परमेश्वर से सुख लूं, अगर वो दुख दे तो दुख ना लूं? प्रेज़ द लॉर्ड, उसी ने दिया है ना। और क्या कहता है घमंड उसे, अय्यूब का 23:10-11 कि जब वो मुझे परखेगा मैं सोने की तरह निकलूंगा। यही तो उसकी पूंजी थी। उसके दोस्त इल्जाम लगा रहे थे, संसार इल्जाम लगा रहा था, लेकिन वो कह रहा कि नहीं, जिस दिन परमेश्वर मुझे परखेगा सोना पाएगा मेरे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रार्थना में अपने अंदरूनी मनुष्यत्व की बहुत फिक्र करनी है।
आजकल आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश करिए मेरा अंदरूनी मनुष्य तो मजबूत रहे, कोई भी गलत चीज मुझे हिला ना सके, कोई भी गलत विचार मेरे अंदर कमी दूषित ना कर सके, अपवित्र ना कर सके। आपके हाथ में है शैतान को दूर रखना, आप बाड़े के अंदर हैं, आपके घर में कोई नहीं आ सकता जब तक आप ना चाहें, और आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये हमेशा याद रखिए। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, अंगीकार करते रहिए। शैतान देख नहीं सकता है, यीशु मसीह के नाम में वो शक्ति है। शैतान हारा हुआ है, उसका टेटुआ दबा दिया है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, कुछ नहीं कर सकता वो। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, डराएगा आपको। पता शैतान कैसा है? वो चिल्लाएगा, मैं शैतान हूं। आप उससे ज्यादा चिल्लाइए, मैं यीशु का दास हूं, मैं यीशु का पुत्र हूं। चुप हो जाएगा, डरिए मत, हमें डरना नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप प्रार्थना में मजबूत नहीं है, आपने अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत नहीं किया, तो शैतान आपके जीवन में दखल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना कर रहे थे कि मुझ पर पाप नहीं आए। चेले सो रहे थे क्योंकि उन्हें प्रार्थना की वैल्यू नहीं थी, उनके पास मकसद नहीं था। मकसद, मेरे प्रार्थना का मकसद है कि मैं अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मजबूत करूं। मेरी प्रार्थना का मकसद है कि मैं परमेश्वर के और करीब आऊं। मेरी प्रार्थना का मकसद है कि मैं यीशु के उस प्यार को जान सकूं जो ज्ञान से परे है। मेरी प्रार्थना का मकसद है कि मैं परमेश्वर की परिपूर्णता से एक हो जाऊं। मेरी अपनी प्रार्थना का मकसद बनाइए। अपनी प्रार्थना का मकसद वो नहीं कि मुझे काम मिल जाए, अपनी प्रार्थना का वो मकसद नहीं कि मेरी शादी हो जाए, मेरे कर्जे उतर जाए, नहीं, मेरा अंदरूनी मनुष्य तो मजबूत हो। जब आप आत्मिक जीवन जिएंगे, जब आप आत्मा में जिएंगे मेरे भाई मेरी बहन, और आप जी सकते हैं, आपके पास वो अधिकार होगा कि आप आज्ञा देंगे और दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, आमीन। इन वचनों को अपने अंदर लीजिए, जो मैं आपको वचन बताता हूं परमेश्वर की कृपा से, उस पर चलिए तो फायदा है। सुनकर तालियां बजाने से कोई मकसद नहीं है अगर आप इसे अंदर नहीं लेते। उसके अनुसार चलिए, मैं आपको कह रहा हूं, चैलेंज करता हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जो शरीर है, जो आपके रिश्ते हैं ना, वो आपका कहना मानेंगे। कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए, मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, मुझे प्रभु के वचन पे चलना है। जिस दिन आप अपने मन में ये धारण कर लेंगे ना, आपके हिसाब से वातावरण चेंज होगा, नहीं तो शैतान चेंज कर देगा आपके वातावरण को। अगर आप डर जाएंगे, नहीं मेरा पति नहीं मान रहा है, नहीं आज पड़ोसी नहीं मान रहा है, शैतान आपको चेंज कर, शैतान आपके वातावरण को, लेकिन हमें नहीं करना। हमें, हमारे पास वो अधिकार है। डरिए मत मेरे भाई मेरी बहन, आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया।